गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. स्टूडेंट अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पर. अभी तक हमने काफ़ी टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं. अब हम बात करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 10 के टॉपिक नंबर 11 पर. ओके स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 10 के टॉपिक नंबर 11 पर अब हम बात करने जा रहे हैं. तो 11 में क्या है स्टूडेंट, लॉजिकल डेफिनेशन. क्या है स्टूडेंट, लॉजिकल डेफिनेशन. लॉजिकल डेफिनेशन पर हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट. आपको पता होगा कि अभी तक हमने क्या क्या कर लिया, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस. तो इनको लॉजिकली हमने ये तो देख लिया कि वेन डायग्राम से पिक्चर रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में इसको हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, लेकिन अब हमें देखना है कि इसी को हम लॉजिकली कैसे प्रेजेंट करेंगे. स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, लॉजिक ये सीखना बहुत जरूरी है. क्यों? क्योंकि मैंने आपको लेक्चर नंबर 0 में बताया था कि लॉजिक पर ही बेस्ड होती है पूरी कंप्यूटर साइंस. एक सॉफ्टवेयर कितना इंटरेस्टिंग, कितना अच्छा होगा, वो उसके लॉजिक पर डिपेंड करता है. तो लॉजिक कैसे अप्लाई करनी है, वो बात यहां से धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगी. ओके स्टूडेंट, लॉजिकल बात हम करने जा रहे हैं. तो लॉजिकली देखो स्टूडेंट, कह रहे हैं कि लॉजिकल डेफिनेशन क्या है वो हम आपको बताने जा रहे हैं. तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे देखा कि फर्स्ट लॉजिकल डेफिनेशन क्या है, एक्स बिलोंगिंग टू ए यूनियन बी. एक्स बिलोंगिंग टू ए यूनियन बी, एक्स क्या है, एक्स बिलोंगिंग टू ए यूनियन बी. तो स्टूडेंट आप देखो, कोई एलिमेंट यूनियन में कब बिलोंग करेगा, यहां पर देखो आप कह रहे हैं कि ये है ए, ये है बी, ये है यूनियन ए यूनियन बी. कोई एलिमेंट यूनियन में कब बिलोंग करेगा, जब दोनों में से किसी भी एक में हो, किसी भी एक में, कोई जरूरी एक ही में हो, कह रहे किसी में भी हो. ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि अगर बहुत सारे केसेज हों और उनमें से किसी से भी हमारा काम चल जा रहा हो, किसी एक से भी हमारा काम चल जा रहा हो, इसका मतलब इसमें भी हो या इसमें भी हो, किसी भी एक में हो, जहां पर भी एक की मीनिंग आए वहां पर और वर्ड ही यूज करते हैं. स्टूडेंट अब ये बात ध्यान रखनी है, और वर्ड कब यूज करते हैं, जब बहुत सारे हों और उनमें से किसी भी एक से हमारा काम चल जाए तो उन सब के बीच में और वर्ड हम यूज करते हैं. ओके स्टूडेंट, और क्या बताया मैंने अभी अभी आपको, अभी अभी ये बता दिया कि x बिलोंगिंग टू a यूनियन b की मीनिंग क्या है, x बिलोंगिंग टू a यूनियन b की मीनिंग क्या है, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b. किसी में भी हो, a में हो और b में हो, तो यूनियन में आएगा ही आएगा. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, कह रहे हैं कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b. x डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b, यूनियन में कब नहीं आएगा. स्टूडेंट आप देखो, इसमें 4 नहीं आया. क्यों नहीं आया, क्योंकि 4 दोनों में ही नहीं है. यूनियन में 4 क्यों नहीं आया स्टूडेंट, क्योंकि 4 ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, दोनों में नहीं है. और स्टूडेंट जब बहुत सारे हो उनमें से किसी भी एक से हमारा काम चल जाए तो सबके बीच में और वर्ड यूज करते हैं, लेकिन बहुत सारे केसेज हों और हमें सबकी जरूरत हो, सबका कंपल्सन हो, तो उस टाइम हम एंड वर्ड यूज करते हैं. तो आप देखो, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं, दोनों में नहीं है, इसीलिए हम दोनों के बीच में कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं स्टूडेंट, एंड. ओके, ये बात अब हमारी आपको समझनी है कि लॉजिक क्या है. कह रहे हैं बहुत सारे लोग हों और उनमें से किसी से भी एक से हमारा काम चल जाए तो कह रहे हैं और वर्ड की लॉजिक है, और कह रहे हैं अगर सबकी जरूरत हो तो एंड वर्ड की लॉजिक है. ओके स्टूडेंट, तो पहली दो बात बिल्कुल मैंने आपको क्लियर कर दी है. फर्स्ट टू पॉइंट्स, एक्स बिलोंगिंग टू ए यूनियन बी की क्या मीनिंग है. अब ये स्टूडेंट अब तो आपको समझ में आ गया कि बहुत सारे होंगे और एक से भी काम चल जाए तो और वर्ड यूज करते हैं, और दोनों से काम चल पाए तो एंड वर्ड यूज करते हैं. ये बात आपने समझ ली है, लेकिन अब रटना भी है कि यूनियन में बिलोंग्स पर और यूज करते हैं, यूनियन में डज नॉट बिलोंग्स पर एंड यूज करते हैं. क्यों? क्योंकि हमें स्पीड भी चाहिए. कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया हमारा कि कब एंड कब और, लेकिन अब हमें रटना भी है कि यूनियन में बिलोंग्स टू पर और यूज करते हैं, यूनियन में डज नॉट बिलोंग्स पर एंड यूज करते हैं. सिमिलरली स्टूडेंट आप देखो, इंटरसेक्शन में क्या होगा, इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट तभी आएगा जब दोनों में हो, और दोनों के लिए स्टूडेंट हम क्या यूज करते हैं, एंड वर्ड का यूज करते हैं. तो अब आपको ध्यान रखना है, इंटरसेक्शन में बिलोंग्स पे एंड यूज करते हैं और इंटरसेक्शन पे डज नॉट बिलोंग्स पे और, ठीक रिवर्स है, यूनियन का ठीक रिवर्स है. ओके स्टूडेंट, कह रहे हैं कि यहां पे बिलोंग्स पर और यूज करते थे, डज नॉट बिलोंग्स पर एंड, लेकिन यहां उल्टा है, बिलोंग्स पर एंड यूज करते हैं, डज नॉट बिलोंग्स पर और. कह रहे हैं कि यूनियन में तभी नहीं आएगा जब किसी एक में नहीं हो, एक की बात आ गई, यूनियन दैट मींस कॉमन तभी नहीं आएगा जब किसी एक में नहीं हो. तो स्टूडेंट यहां पे क्लियर है कि यहां पे एक की एक से भी काम चल रहा है, इसका मतलब यहां पे कौन से वर्ड की हेल्प लेंगे, और वर्ड की हेल्प लेंगे. ओके डियर, ओके ये बात क्लियर आपको.
अब हम बात करने जा रहे हैं x belonging to a minus b की। स्टूडेंट आप देखो a minus b का क्या मतलब था, a minus b कह रहे हैं ऐसा एलिमेंट जो a में हो लेकिन b में नहीं हो। a माइनस बी में तो वही आएगा ना जो a में केवल हो, b में होता तो माइनस हो जाता। ओके स्टूडेंट, तो वही बात हमें यहां पर एक्सप्रेस करनी है, x बिलोंग्स टू a माइनस बी, तो x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। a माइनस बी में वही आएगा जो a में हो, केवल a में हो, b में नहीं हो, तो ये बात हमने लिख दी। ऐसे ही b माइनस a के लिए स्टूडेंट हमने लिख दिया, किसके लिए लिख दिया, b माइनस a के लिए। उसके बाद स्टूडेंट आप यहां पर देखो कह रहे हैं कि अगर कोई एलिमेंट a में है तो उसके a में है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, और अगर कॉम्प्लीमेंट में है तो ए में नहीं होगा। कह रहे हैं कोई एलिमेंट अगर ए में है तो कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, और कॉम्प्लीमेंट में है तो ए में नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, ये बात बिल्कुल क्लियर है अब आपको। अभी अभी मैंने आपको बता दिया कि लॉजिकल डेफिनेशन क्या है, इन डेफिनेशन को स्टूडेंट आपको इतनी ही बात समझनी थी कि एंड कहां पर यूज करते हैं और कहां पर यूज करते हैं, और ये बात हम काफी चैप्टर्स में कनेक्ट करेंगे, प्रोबेबिलिटी में भी कनेक्ट करेंगे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में भी कनेक्ट करेंगे। स्टूडेंट इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई, बहुत सारे में से एक से भी हमारा काम चल जाए, और बहुत सारे में से बिना सबके हमारा काम नहीं चल पाए। जब सबकी बात हो रही तो एंड का यूज करते हैं, जब एक से भी हमारा काम चल जाए तो और का यूज करते हैं। ये बात समझनी है। ओके स्टूडेंट, तो अब हम बात करने जा रहे हैं टॉपिक नंबर 12 पर। ओके, टॉपिक नंबर 12 पर लॉजिकल डेफिनेशन क्या है उस पर स्टूडेंट हमने बात कर ली है, लॉजिकल डेफिनेशन क्या है उस पर हमने बात कर ली है। अब हम टॉपिक नंबर 12 पर बात करने जा रहे हैं। स्टूडेंट देखो आप, टॉपिक नंबर 12 क्या है, सम नोटेशंस। क्या है, सम नोटेशंस। टॉपिक नंबर 12 क्या है, सम नोटेशंस। स्टूडेंट इसमें देखो आप क्या है, सम नोटेशंस में क्या बता रहे हैं, इसकी हमें बहुत ज़रूरत है। स्टूडेंट बहुत सारे आईआईटी के क्वेश्चन ऐसे हैं जो अगर इन नोटेशंस के बारे में हमें केवल पता हो तो हम क्वेश्चन विद इन वन मिनट निकालेंगे। ओके, तो ये नोटेशन समझने स्टूडेंट। स्टूडेंट आप देखो कह रहे हैं कि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी को हम क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी को हम ए और बी भी बोलते हैं। अभी हमने पढ़ा कि यूनियन में बिलोंग्स हो तो क्या लिखते हैं, और वर्ड का यूज करते हैं, और इसी बात को हम ऐसे भी लिखते हैं एटलीस्ट। इसी बात को स्टूडेंट हम कैसे लिखते हैं, एटलीस्ट एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी। ओके स्टूडेंट, क्लियर आपको। कह रहे हैं कि ए यूनियन बी की क्या मीनिंग है, ए और बी भी बोलते हैं। क्वेश्चन हो सकता है आपसे ऐसे पूछा जाए, फाइंड ए और बी, दैट मींस क्या फाइंड करना, ए यूनियन बी। हो सकता है क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए, फाइंड एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी, तो भी। स्टूडेंट अब ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यूनियन के लिए एटलीस्ट वन वर्ड का भी हम यूज करते हैं। सिमिलरली ए यूनियन बी, यूनियन सी फाइंड करना हो स्टूडेंट तो इसको हम क्या बोलेंगे, ए और बी और सी, और इसको हम क्या बोलेंगे, एटलीस्ट, इसको भी हम बोलेंगे स्टूडेंट एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी और सी। एटलीस्ट वन की मीनिंग ही अब स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है, जहां भी चैप्टर नंबर 1 सेट्स में भी जहां एटलीस्ट वन की बात आएगी वहां भी यूनियन की हेल्प लेंगे हम। प्रोबेबिलिटी जैसे चैप्टर में भी जहां एटलीस्ट वन की बात आएगी वहां भी यूनियन का कॉन्सेप्ट आएगा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन जैसे चैप्टर में जहां भी एटलीस्ट वन की बात आएगी वहां भी यूनियन का कॉन्सेप्ट हमें अप्लाई करना। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देखते जा रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी को स्टूडेंट हम लिखते हैं ए एंड बी। क्या लिखते हैं, ए एंड बी, या ऐसे इसको हम ऐसे भी बोलते हैं, साइमल्टेनियसली बोथ ऑफ ए और बी। करें ए और बी में से वो वाला रीजन जहां दोनों प्रेजेंट हों, साइमल्टेनियसली बोथ। ओके स्टूडेंट, करें कि इसी तरीके से हम क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को हम क्या लिखेंगे, ए एंड बी एंड सी। इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं साइमल्टेनियसली ऑल ऑफ ए और बी और सी। तीन की बात हो रही है उसमें से वो वाला रीजन बताना है जहां तीनों प्रेजेंट हो। साइमल्टेनियसली ऑल, करें सारे एक साथ दिखाई देने चाहिए,
ओके स्टूडेंट, स्टूडेंट अभी तक मैंने आपको दो बात क्लियर कर दी कि यूनियन के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं और इंटरसेक्शन के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं। स्टूडेंट ये सब बात मैं आपको बता दूं, IIT में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जहां स्ट्रेट ऐसी लाइनें यूज हुई हैं और हम तुरंत आंसर निकाल सकते हैं। हर बार मैं ऐसी प्रॉब्लम फेस करता हूं, जो स्टूडेंट मेरे यहाँ 11th क्लास से पढ़ा होता है उसको तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जो 11th कहीं और से पढ़ के आता है और 12th में हमारे पास आता है तो प्रोबेबिलिटी जैसे चैप्टर में वो खुद रोने लगता है और मुझे भी रुला देता है, क्योंकि ये सब बातें जब नहीं पता होती तो उसको या तो मैं पूरा फर्स्ट चैप्टर सेट्स बिल्कुल फिर से क्लियर करूं। तो स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये सब, अगर आपको हर एक चैप्टर बिल्कुल क्लियर करना है तो ये छोटी छोटी बात आपको क्लियर करनी पड़ेगी। ओके स्टूडेंट, यूनियन के बारे में मैंने आपको बता दिया, यूनियन को एटलीस्ट वन बोलते हैं, इंटरसेक्शन को साइमल्टेनियसली ऑल बोलते हैं। ओके स्टूडेंट ये दो बात मैंने आपको क्लियर कर दी, दो बात बिल्कुल क्लियर कर दी है। ओके स्टूडेंट नेक्स्ट है ए माइनस बी। स्टूडेंट ए माइनस बी को हम क्या बोलते हैं, ए बट नॉट बी, इसको हम क्या बोलते हैं, ए बट नॉट बी, ए होगा लेकिन बी नहीं, स्टूडेंट ए बट नॉट बी, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं ए ओनली, स्टूडेंट क्या लिखते हैं हम इसको, ए ओनली। स्टूडेंट इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं ए बट नॉट बी, ए होगा लेकिन बी नहीं, ये बात अब ध्यान रखनी है, ए होगा लेकिन बी नहीं। एंड ऐसे ही अगर बी माइनस ए हो, स्टूडेंट बी माइनस ए हो तो इसको हम लिखते हैं बी बट नॉट ए, इसको हम बी ओनली भी बोलते हैं, बी ओनली भी बोलते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं स्टूडेंट बी बट नॉट ए, क्या बोल रहे हैं, बी बट नॉट ए, बी बट नॉट ए। ओके स्टूडेंट, स्टूडेंट यहां पर हम ए बट नॉट बी बट नॉट सी को क्या बोलते हैं, ए ओनली ऑफ ए और बी और सी, तीन में ये बात हो रही है। स्टूडेंट ये कितने में बात हो रही है, ये कह रहे हैं तीन में बात हो रही है कि बी में भी नहीं हो, सी में भी नहीं हो, ए में केवल हो, तो इसको भी हम ए ओनली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ए ओनली बोलते हैं। ऐसे स्टूडेंट अगर हम यहाँ पर किसकी बात करें, ए में नहीं हो, बी में हो और सी में नहीं हो, तो इसको हम बी ओनली बोलेंगे आउट ऑफ थ्री, क्या बोलेंगे स्टूडेंट, बी ओनली आउट ऑफ थ्री। ऐसे ही करें ए में नहीं है एंड बी में नहीं है, केवल सी में है, तो इसको स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सी ओनली आउट ऑफ थ्री, सी ओनली आउट ऑफ थ्री। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, स्टूडेंट अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें, इन दोनों को कंबाइन कर दें, तो आपने देखा था इसी को हम क्या बोलते थे, ए डेल्टा बी, क्या बोलते थे, ए माइनस बी और बी माइनस ए को हमने कंबाइन कर लिया था, तो इसको हम ए डेल्टा बी बोलते हैं और इसी को हम सेंटेंस में एग्जैक्टली वन भी बोलते हैं। स्टूडेंट क्या बोलते हैं हम इसको, एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी। स्टूडेंट ये बात अब ध्यान रखनी है, माइनस पर बट नॉट आता है, डेल्टा पर एग्जैक्टली वन आता है, यूनियन पर एटलीस्ट वन आता है, इंटरसेक्शन के लिए साइमल्टेनियसली ऑल यूज करते हैं। ऐसे ही थ्री सेट्स में जब बात होगी ए बी एंड सी की स्टूडेंट, तो उस टाइम क्या होगा, ए बट नॉट बी बट नॉट सी, यूनियन ए नॉट बी बट नॉट सी, एंड यूनियन यूनियन ए Not B, not and only C। Student इसको हम क्या बोलेंगे, Exactly one of A or B or C। A or B or C में से वो वाला region जहाँ exactly one हो, ये हो B हो या C हो, कुछ भी हो। ओके स्टूडेंट, स्टूडेंट ये बात क्लियर हो गई आपको, ये बात क्लियर हो गई, इन तीनों को कंबाइन करके हमने ये फॉर्म कर लिया और इन दोनों को कंबाइन करके हमने ये फॉर्म कर लिया। ओके स्टूडेंट क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है स्टूडेंट, नेक्स्ट है स्टूडेंट नीदर ए नॉर बी, इसको हम क्या बोलते हैं, नीदर ए नॉर बी। स्टूडेंट इसको हम क्या बोलते हैं, नीदर ए नॉर बी। ओके नीदर ए नॉर बी रीड करते हैं हम इसको। स्टूडेंट अगर यहीं पर ऐसे हो तो इसको हम ऐसे रीड करते हैं, नीदर ए और नॉर बी। ओके स्टूडेंट और यूनियन के लिए और यूज करते हैं, इंटरसेक्शन के लिए एंड। स्टूडेंट यहां पर ऐसे हो, नीदर ए नॉर बी एंड नॉर सी, इसको हम ऐसे लिखेंगे, नीदर ए नॉर बी एंड नॉर सी। ओके स्टूडेंट ये बात क्लियर करनी है बिल्कुल। ओके तो अभी मैंने आपको बता दिया कि नोटेशंस में कुछ नोटेशंस कैसे होंगे, वो नोटेशंस स्टूडेंट अब आपको ध्यान रखनी है। और स्टूडेंट अगर ऐसे हो, ए
इंटरसेक्शन बी बट नॉट सी, तो इसको हम बोलते हैं ए एंड बी, ए एंड बी ओनली। क्या बोलते हैं? ए एंड बी ओनली। अगर ऐसे हो ए नॉट बी इंटरसेक्शन सी, ए नॉट बी इंटरसेक्शन सी, तो स्टूडेंट इसको हम क्या बोलेंगे? बी एंड सी ओनली। क्या बोलेंगे? बी एंड सी ओनली। और अगर यहाँ पर हो ए है बी नहीं है एंड सी है, तो स्टूडेंट इसको हम बोलते हैं ए एंड सी ओनली। तो ये सब कुछ लैंग्वेज है स्टूडेंट, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। अगर ये बातें आपको बिल्कुल क्लियर हैं तो गारंटीड आपको हर एक चैप्टर में इंटरेस्ट आएगा और क्वेश्चन गारंटी निकलेगा। ओके स्टूडेंट, तो ये है आज का लेक्चर, इतनी बातें आपको तैयार करनी है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।